फाइनली हीरो कंपनी ने आप सभी के सामने ये ऑल न्यू टीजर को लॉन्च कर दिया है, जो कि आपकी ऑल न्यू हीरो पैशन प्रो एक्स मॉडल की रहने वाली है। तो आज आपको हम वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, क्या कुछ बड़े 4 से 5 अपडेट आने वाले हैं, कब तक आपको ये गाड़ी लॉन्च होते मिल जाएगी, कन्फर्म आपको लॉन्चिंग डेट, उसके अलावा प्राइसिंग और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बात कर लेते हैं ओवरऑल इस गाड़ी के बारे में। तो आपको हम बता दें, ये गाड़ी बहुत ही शानदार ओवरऑल लुक्स लेके आने वाली। पहला जो बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी में, लुक्स और कलर कॉम्बिनेशन में चेंजेस बिल्कुल मिलेंगे। कंपनी थोड़े बहुत आपको कलर कॉम्बिनेशन नए लेके आने वाली है, ताकि आप पहचान सकें कि आप इसके एक्सट्रीम मॉडल परचेस कर रहे हैं या इसके ओल्ड मॉडल परचेस कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत कंपनी डिफ्रेंशिएट करेगी इसकी नॉर्मल मॉडल्स और एक्सट्रीम मॉडल्स से। तो थोड़ा बहुत स्टिकर्स में आपको बिल्कुल चेंजेस मिलेंगे। आपको यहाँ पे ऑल न्यू स्टिकर्स कंपनी बिल्कुल प्रोवाइड करने वाली है, जो कि पहला और सबसे बड़ा अपडेट आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। दूसरा, इस गाड़ी का मीटर कंसोल पहले से और बेटर और फुली डिजिटल होने वाला है, जहाँ कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप हीरो की ऐप राइडिंग ऐप जो आती है उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन को कनेक्ट कर पाएंगे अपने मीटर कंसोल से। वहाँ पे आप कॉल नोटिफिकेशन, उसके अलावा आपको SMS नोटिफिकेशन जैसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे साइड बाई साइड गूगल नेविगेशन ऐप का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, आपको कॉल नोटिफिकेशन मिलेगी, SMS नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके अलावा जो इसका मीटर कंसोल और आपको अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करेगा, लेकिन गियर इंडिकेटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रहने वाला ओवरऑल इस गाड़ी का मीटर कंसोल, जो कि कंपनी आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाली है। उसके बाद तीसरा बड़ा अपडेट की तरफ मूव करेंगे, तो आपको इस गाड़ी में ऑल न्यू LED हेडलैम्प सेटअप नहीं मिलने वाला है, जैसा कि आपको हीरो ग्लैमर S-Shape नहीं मिलता है। एस शेप वाला एस शेप यहाँ भी बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे एच शेप का LED नहीं मिलेगा और ऊपर आपको हाई बीम, नीचे आपको लो बीम वाला सेटअप नहीं मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ ओवरऑल आपको तीसरा बड़ा अपडेट आपको इस गाड़ी में कंपनी प्रोवाइड करने वाली है, जहाँ कि आपको फुली LED सेटअप प्रोवाइड करे। आपको यहाँ भी LED नहीं मिलेगा और बैक का जो टेल लैम्प है उसमें भी कंपनी चेंजेस प्रोवाइड किए, वहाँ पे आपको LED देखो मिल जाएगा। बाकी साइड पैनल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बैचिंग देखो मिल जाएगी X-Pro की, जो कि आपकी X-Ray मॉडल रहने वाली है, तो नो डाउट आपको X-Ray की बैचिंग देखो मिल जाएगी। उसके अलावा बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में, USB चार्जिंग का आपको यहाँ सपोर्ट देखो मिल जाएगा, कीक और सेल्फ दोनों ही आपको ऑप्शन देखो मिलेंगे, ITS टेक्नोलॉजी कंपनी बिल्कुल यहाँ प्रोवाइड करने वाली है। तो उसके अलावा कोई आपको डाउट नहीं रहने वाला है। बाकी आपको यहाँ प्राइसिंग में भी एक बड़ा अपडेट हो तो वो मिल जाएगा। इस गाड़ी के हम प्राइसिंग के बारे में बात कर लें, तो लगभग आपको ये गाड़ी 3 से 4 हज़ार रुपये महंगी होते मिल जाएगी। क्योंकि मेनली अपडेट के बारे में बात करेंगे तो आपको हम बता दें, इस गाड़ी में आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा फुली डिजिटल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला, लुक्स और कलर कॉम्बिनेशन में कंपनी चेंजेस करने वाली, दूसरा बड़ा अपडेट, तीसरा आपको इसमें LED हेडलैम्प विथ LED DR और बैक में आपको LED टेल लैम्प कंपनी ऑफर करती है, और साथ में आपको USB चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जहाँ की बस आपको अपने USB केबल खोजना है और आपको चार्ज का फायदा उठाना है। बाकी मीटर कंसोल एक बहुत बड़ा हाइलाइटेड पॉइंट इस गाड़ी का रहने वाला है और पहली गाड़ी सेगमेंट में रहने वाली जो कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑफर करेगी। उसके अलावा प्राइसिंग के बारे में बात, इसलिए प्राइसिंग इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम बात करें ओवरऑल ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में, तो अभी करेंटली गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइसिंग पड़ी है 90 में इसकी ड्रम और 92 में इसकी डिस्क आ जा रही है। तो आप इसमें 3 से 4 हज़ार रुपये एड ऑन करके चल सकते हैं। जो इसकी ओवरऑल इसकी ड्रम वेरिएंट आएगी वो आपको लगभग 94 के आसपास 95 के आसपास ऑन रोड कॉस्टिंग करेगी, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी 96-97 हज़ार रुपये के आसपास ऑन रोड कॉस्टिंग करेगी। ये कुछ ओवरऑल गाड़ी की प्राइसिंग रहने वाली। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग आपको पता ही है। बैक का अगर आपने बैक पेडल अप्लाई करेंगे तो फ्रंट और बैक आपको दोनों टायर एक टाइम पर लॉक होता है, जिसकी मदद आपकी रोड पे सेफ्टी और ग्रिप बहुत ही बेटर बन के निकलती है। बाकी डिस्क ब्रेकिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, USB चार्जिंग है, तो ओवरऑल कोई भी आपको कंप्लेन यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला है। लॉन्चिंग डेट की बात कर लें, आने वाले आपको 10 दिन के अंदर ये गाड़ी की आपको लॉन्चिंग होते हुए मिल जाएगी, और उसके अलावा 1 महीने के अंदर आपको ये गाड़ी आपके नियर बाई शोरूम्स में अवेलेबल जाएगी। तो जो लोग भी 110 CC का एक शानदार बाइक लेंगे सोच रहे हैं, थोड़ा टाइम आप और वेट कर सकते हैं। इन अपकमिंग डेज आपके लिए हीरो एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन लेके आने वाला है 110 CC सेगमेंट में। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को डिटेल वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप लोग लाइक जो करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि नीचे जो आपको रेड कलर बटन दिख रहा है कैसे भी ठोक दे चैनल सब्सक्राइब रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। फास्ट रिप्लाई क्विक रिस्पॉन्स के लिए आप हमें इंस्टा पर भी DM कर सकते हैं।